मैंने कितनी बार कोशिश किया कि साइकिल से बिजली उत्पन्न करूं, वो भी फ्री में। ये कोई आसान सा काम तो है नहीं, लेकिन बड़ा मुश्किल काम भी नहीं है। मैंने बहुत बार साइकिल में मोटर लगाकर बिजली उत्पन्न की है, लेकिन कई बार वह मोटर खराब हो गया है, क्योंकि कभी कभी उसे कोई चुरा ले जाता, तो कभी वो झटका के कारण खराब हो जाता, पानी के कारण खराब हो जाता। पहले हम इसको बनाने के लिए सोच लेते हैं कि मुझे चाहिए क्या। मोटर तो हो जाएगा, मेरे पास तो बहुत सारा मोटर है। अगर आगे फिट किया तो प्रॉब्लम है, अगर पीछे फिट किया तो भी प्रॉब्लम है, अगर बीच में भी फिट किया तब भी प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? कहीं पर हम सुना है था कि प्रॉब्लम तो सभी की ज़िंदगी में होता है, लेकिन यहाँ तो प्रॉब्लम साइकिल की ज़िंदगी में है। क्या साइकिल का भी एक ज़िंदगी होता है? होता तो है, लेकिन वह कौन सा ज़िंदगी होता है? तो वह इमेजिनरी ज़िंदगी होता है। बिजली उत्पन्न करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है? सबसे पहले स्पीड आता है, स्पीड अगला चक्का में तो उतना होता नहीं है, बीच वाले पैडल में तो वो धीरे धीरे झूलता है, तो इसलिए तो वहाँ पर भी नहीं होगा। और आखिरकार जो हमारे पास आता है आखिर में पहिया पीछे वाला, उसमें तो बहुत ज़्यादा ताकत होता है, तो वहाँ पर हम अपना मोटर फिट कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा सेफ्टी और जॉइनिंग, ये कितना मजबूत से वो जॉइंट है चक्के में। तो पीछे का टायर के भाग में तो हम बहुत आराम से उसको सेफ लगा सकते हैं, क्योंकि बीच वाले भाग में तो स्पीड कम रहता है और पीछे वाला भाग में तो स्पीड ज़्यादा रहता है, इसके कारण हम आराम से पीछे में फिट कर लेंगे। लेकिन चक्के की सीधे जुड़े होने के कारण मोटर पे तो ज़्यादा असर पड़ेगा, उसे बार बार झटका और फोर्स लगेगा तो फिर मोटर ख़राब हो जाएगा, तो इससे हमारा ही परेशानी होगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं फिर? तो हम कर सकते हैं ना कि तो अगर मोटर को कहीं और शिफ्ट कर दे तो, और क्या करेंगे, वहाँ से एक रोड छोटा सा लोहा निकाल कर यार मोटर को घुमाएंगे, अच्छी तरह से रहेगा। मोटर से बिजली निकालने के लिए इम्पोर्टेंट है मोटर का रोटेट करना, और मोटर रोटेट कहाँ से करेगा? तो मोटर को रोटेट करेगा टॉर्क। टॉर्क मोटर को कहाँ मिलेगा? तो चक्के से मिलेगा। चक्के को टॉर्क कहाँ से मिलेगा? तो पैडल से मिलेगा। पैडल में टॉर्क कौन देता है? हम देता है। हम पैडल में टॉर्क देते हैं क्यों? क्योंकि हमको साइकिल चलाना है। अगर हमारा ध्यान से देखें तो हमारा ही बिजली हमारे शरीर से निकल कर वही लास्ट में आखिरकार मोटर से निकल कर बिजली निकलेगा। मतलब हमारा शरीर का जो ताकत है वह बाद में आगे करके बिजली बनेगा। तो इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा कुछ नहीं है। इसके कारण तो हम अपने मन से ही बिजली निकाल देते हैं, सही रहेगा। अगर हम मोटर को घुमाकर उससे अपने आप हाथ से बिजली निकाल लेते हैं, हमको ज़रूरत क्या है साइकिल का? साइकिल चलाने का काम में आ जाएगा, हाथ से हम बिजली निकाल लेंगे। अगर हाथ से हम बिजली निकाल लेंगे तो उसमें हमारा हाथ घुमाने के लिए साइकिल में मतलब टाइम चल जाएगा, किसमें घुमाते घुमाते। तो साइकिल से हम अगर निकालते हैं तो हमारा टाइम बच जाएगा, एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे। लेकिन बड़े बुजुर्ग बोलते हैं एक काम को अच्छे से करो तो वह अच्छा रहता है। अगर हम कर भी दिए तो उससे हमें कितना बिजली मिलेगा? थोड़ा सा ही मिलेगा। इससे अच्छा अगर हम मोबाइल भी चार्ज लगाएं तो चार्जिंग से हम अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, तो ज़रूरत क्या है उसकी? छोड़िए, हम लगाई भी नहीं करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अभी जा रहा हूँ, रुक जाओ, क्लिक करने दो।